तो गाइज मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और आज हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी भटूरे तल रही है और मेरे देवर जो हैं वो भटूरे बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने चैनल पे ब्लॉग डालना था तो इसीलिए वो भी यहाँ पे थोड़ा सा भटूरे बना रहे हैं। वैसे उन्होंने ज़्यादा नहीं बनाए, एक दो बनाए, उसके बाद मैंने और मम्मी ने ही बनाए हैं। तो देख सकते हैं आप लोग हमारे भटूरे बन रहे हैं और ये जो वीडियो है ये 26 अप्रैल की है और काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे इस वीडियो को शूट किए हुए और आज काफ़ी दिन बाद मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। वो इसी वजह से क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था ज़्यादा, मैं नहीं कर पाई और क्यों टाइम नहीं था वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। इसीलिए काफ़ी दिन बाद मैं आज इस वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैंने वीडियो इतनी दिन पहले बना दी है और अपलोड अब कर रही हूँ। तो गाइज बारिश का मौसम था, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा सुबह से यहाँ पे बारिश आ रही है, तो मन हुआ कि चलो छोले भटूरे बना लें, तो हमने सोचा चलो छोले भटूरे बना लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे छोले भटूरे बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप लोग सोचेंगे हमारे भटूरे फूले हुए नहीं हैं जैसे मार्केट में फूले रहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं वहाँ पे मार्केट के जो छोले भटूरे बनते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडा डाला जाता है। हम लोगों ने सोडा नहीं डाला है क्योंकि आप लोगों को पता है सोडा हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो सोडा हमने कम ही डाला है और हमारे छोले भटूरे इसीलिए इस तरीके के आप लोगों को लग रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे ये। Thank you.
तो चलिए हम लोग करते हैं अपना नाश्ता, तब तक आप लोग इंजॉय कीजिए। गाइज अभी हो चुकी है दोपहर की 12:30 यानी कि 1 बजने वाली है और आप लोग देख सकते हैं हमारे घर वाले टैंक साफ कर रहे हैं। आप सोचेंगे टैंक क्यों साफ कर रहे हैं, क्योंकि गाइज जो ये सप्लाई वाला पानी आता है वो हम लोग अपने टैंक में स्टोर कर देते हैं। काफी सारे लोग डायरेक्ट मोटर से उसे टैंक में चढ़ा देते हैं, लेकिन हम लोग इसे टैंक में, नीचे हमने टैंक बनाया है उसमें स्टोर करते हैं। तो आज काफी दिन हो गए थे, लगभग 2 वीक हो गए थे, तो हम लोग अपने टैंक को हमेशा साफ करते हैं हफ्ते 2 हफ्ते बाद। तो आप लोग देख सकते हैं इतनी ज़्यादा इसमें मिट्टी हो गई थी, पानी में देख सकते हो आप लोग बहुत ज़्यादा मिट्टी थी और इस पानी को हम लोग पी रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसे डायरेक्ट पीते हैं, हमारे घर में आरओ लगा हुआ है, फिल्टर होके पानी आता है, लेकिन फिर भी नीचे हम लोग जो ये टैंक का पानी है इसी को ऊपर हम लोग चढ़ाते हैं मोटर से और ये इसी पानी को हम लोग पीते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग बहुत सारा मिट्टी इस पानी से निकली, पता नहीं कैसे इसके अंदर इतना मिट्टी हो जाता है ये हमें समझ ही नहीं आया। शायद से इसके जो टैंक है इसके आजू बाजू हल्के हल्के छेद होते हैं ना, तो उस वजह से शायद जो धूल मिट्टी है वो अंदर चले जाती है और नीचे बैठ जाती है पानी में। हे गाइस वेलकम टू माय चैनल, कैसे हो आप सभी लोग? आई जस्ट होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस आज है 26 अप्रैल और काफी दिन बाद आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना। आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने 15 अप्रैल को अपने जब मेरे देवर का बर्थडे था तभी ब्लॉग बनाया था। उसके बाद मैंने एक भी ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि उसका रीजन ये था क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब थी और मेरा मन भी नहीं था कि मैं बनाऊं। तो आज मैं फिर से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूं और गाइस जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा आज यहां सुबह से बारिश आ रही है और मौसम ऐसा हुआ है ना कि बारिश आ रही है फिर ठीक हो जा रहा है, फिर धूप आ रही है फिर बारिश आ रही है। बहुत मतलब मौसम बहुत बदल रहा है, कभी कुछ बारिश आ रही है तो कभी धूप आ रही है। तो सुबह आपने देखा ही होगा मैंने क्या बनाया था आज। आज हमने बनाए थे छोले भटूरे। आप लोग सोचेंगे कि इनके छोले भटूरे थोड़ा क्रंची टाइप के, भटूरे इनके क्रंची टाइप के क्यों है, तो हम लोग तो मैं आपको बता दूं हम जो मार्केट में मिलते हैं ना सॉफ्ट भटूरे उस तरीके का हमें पसंद नहीं है, हमें थोड़ा क्रंची टाइप का पसंद है तो इसीलिए हमने ऐसे बनाया हुआ है। और जब हमने भटूरे बनाए तो हमने उसमें थोड़ी सी दही, थोड़ा सा मतलब जो मैदा होता है उसमें थोड़ी सी दही और सूजी और मैदा इन तीनों को मिक्स करके बनाया था। और हमने जो आटा इसका था वो एक रात पहले ही गूंथ के फ्रिज में रख लिया था और नेक्स्ट डे हमने इसके भटूरे बनाए। तो आज है संडे और अभी टाइम हो रहा है 2:30 और आप लोगों ने अभी देखा ही होगा जस्ट धूप लगी हुई थी तो हमने अपने टैंक साफ की, हमारे टैंक में इतना ज्यादा गंद हो गया था, इतनी मिट्टी हो गई थी और आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसी पानी को हम लोग पी रहे थे। तो हमने सोचा चलो क्योंकि यहाँ पे टाइम टू टाइम पानी आता है तो हमने सोचा चलो तब तक टैंक साफ कर लें जब तक पानी नहीं आता है। तो घर वालों ने टैंक साफ किया और आप लोग खुद ही देख चुके होंगे कि टैंक से कितना गंदा पानी निकला। और गाइज अभी हम करने जा रहे हैं लंच और आज हमने लंच में बनाई हुई है खिचड़ी, क्योंकि हमने छोले भटूरे खा लिए थे मॉर्निंग में सभी ने तो पेट थोड़ा भरा सा है तो इसलिए हल्का मतलब हल्की सी चीज का मन था खाने का तो इसलिए हमने खिचड़ी बनाई है। तो अब हम लोग खिचड़ी खाने जा रहे हैं। तो गाइस हमारा लंच हो गया है और अभी हम घूम रहे हैं बाहर पे, क्योंकि सुबह आपको पता है मैंने दिखाई दिया आपको कि सुबह हमने थोड़ा हैवी खाना खाया था। तो अभी हम बाहर घूम रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी तेज अच्छी हवा चल रही है और बारिश बंद हो गई है। आप लोगों को दिखाती हूँ गली की हालत क्या हुई है। ये देखिए आप लोग हमारी गली में इतना पानी भर जाता है, यहाँ पर थोड़ी भी बारिश आएगी पूरा पानी भर जाता है आप लोग देख सकते हैं। और पतझड़ देख रहे हो कितने ज़्यादा पत्थर, ये पेड़ के जो होते हैं पत्ते गिरे हुए हैं और आप लोगों को पता है जो सफाई वाले आते हैं वो आ नहीं रहे हैं और आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितनी तेज यहाँ पे हवा चल रही है। गाइस बहुत अच्छा ठंडा मौसम हुआ है इसीलिए हमने सोचा चलो लंच कर लिया है हमने, थोड़ा घूम लेते हैं पचा लेते हैं खाने को। तो चलिए दिखाती हूँ आपको आगे थोड़ा सा। तो ये देख सकते हैं आप हमारी पूरी गली पानी से भरी हुई है और बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है गली। ये पत्ते देख सकते हैं आप, इस पेड़ के पत्ते गिरे हैं, अभी नए पत्ते आ गए उस पेड़ पे।
बाकी अभी टाइम हो रहा है दोपहर की 3 बज रही हैं दोपहर की 3 बज रही है और हमने लंच कर लिया है। बाकी गाइज आज मैं अपने गली से थोड़ा बाहर का जो व्यू है वो भी आपको दिखाऊंगी। ये हमारी गली के आगे ये है रोड, यहीं से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक यहीं पर रहता है, देख सकते हैं आप लोग। इधर का मैंने आप लोगों को कम दिखाया हुआ है। बाकी देखिए मौसम अच्छा हुआ है, सुहाना मौसम हुआ है, हवा चल रही है काफ़ी अच्छी। चलो हम लोग थोड़ा अपना खाना पचा लेते हैं, जो हमने खाना ज़्यादा खा लिया है क्योंकि सुबह से हम ज़्यादा ही खाना खा रहे हैं, तो हमने जो खाना ज़्यादा खा लिया उसे हम पचाते हैं। तो चलो घूमती हूँ थोड़ा सा, खाने को पचाती हूँ। देखिए हम लोग कितनी देर में चल रहे हैं। तो गाइस इवनिंग हो चुकी है, शाम का टाइम हो रहा है 6:30 और हम आ चुके हैं अपने छत में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। तो अभी मैं थोड़ी सी यहाँ पे घूमूंगी, उसके बाद मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक्सरसाइज करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ा मेरी बॉडी की शेप अच्छी हो जाए, थोड़ा ज़्यादा ही हेल्दी हो रही हूँ। तो आ चुकी हूँ अपनी छत में और यहाँ पर काफ़ी अच्छी हवा चल रही है और पीछे आप लोगों को दिखाती हूँ मैं इवनिंग का सनसेट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, आप लोग भी देखिए और साथ ही साथ इस वीडियो को भी एंजॉय कीजिए। तो अब आ चुकी हूँ मैं किचन में डिनर बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने कुकर में तेल डाल के उसमें प्याज जो कट किए थे वो डाल दिए हैं और आज मैं बनाने वाली हूँ टिंडे की सब्जी। काफ़ी सारे लोगों को टिंडे की सब्जी पसंद है और काफ़ी सारे लोगों को टिंडे की सब्जी पसंद नहीं आती है। अगर आप लोगों को भी पसंद है तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर करके मुझे बताएँ। तो टिंडे की सब्जी हम इस तरीके से बनाते हैं, मैंने यहाँ पे प्याज कट किया हुआ था एक और उसे तेल में डाल दिया है और इसे मैं हल्का ब्राउन होने तक रख दूँगी। उसके बाद इसी प्याज में मैं 1 चम्मच हल्दी डाल दूंगी। हल्दी मैं इसलिए डाल दूंगी क्योंकि जो हमारी सब्जी का कलर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। जब भी आप लोग कोई भी सब्जी या कोई भी दाल कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो हल्दी आप लोगों को पहले ही ऐड कर देना चाहिए, इससे हमारे सब्जी का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और इसे अच्छे से मैं तेल में फ्राई कर दूंगी। एक बात का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि जब भी हम टिंडे की सब्जी बनाएं तो उसे हमें खूब फ्राई करना होता है। जितना ज़्यादा हम इसे फ्राई करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आता है। अगर हमने थोड़ा सा फ्राई किया और उसके बाद इसमें सारे मिर्च मसाले डाल दिए और फिर इसे बंद कर दिया तो इससे हमारा जो टिंडे की सब्जी है उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसीलिए टिंडे की सब्जी को खूब ज़्यादा फ्राई करना पड़ता है।
अब आप लोग देख सकते हैं हमारे टिंडे की जो सब्जी है इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसमें मैंने हल्का 5 मिनट के लिए इसमें ढक्कन रख लिया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी, तो मसाले के लिए सबसे पहले मैं नमक ऐड करूंगी। नमक ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे किचन किंग ऐड करूंगी, यानी कि सब्जी मसाला ऐड करूंगी। उसके बाद मैं धनिया मसाला ऐड करूंगी और फिर मैं यहाँ पे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी और चना मसाला जो हमारे पास था उसे भी मैं ऐड करूंगी, क्योंकि मुझे चना मसाला डालना सब्जी में काफ़ी अच्छा, उससे और भी अच्छी हमारी सब्जी हो जाती है। इन सारे मसालों को मिक्स करने के बाद मैं टिंडे को अच्छे से मिला लूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 से 4 टमाटर कट किए हुए थे, इन टमाटरों को मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और फिर कुछ देर के लिए ढक्कन रख के इसे पकाने के लिए छोड़ दूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं हम 5 से 10 मिनट हो चुके थे और हमारे जो टमाटर हैं वो आधा से ज़्यादा गल चुके थे, तो मैं इन टमाटरों को इसमें अच्छे से मिला लूंगी। और मिलाने के बाद मैं फिर इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी बिल्कुल मीडियम आंच पे। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग हमारी जो टिंडे की सब्जी है वो बनके रेडी है। हमें ज़्यादा इसे पकाना नहीं होता है, लगभग 15 से 20 मिनट ही इस सब्जी को पकाना होता है और आप लोग खुद देख सकते हैं हमारी टिंडे की सब्जी बहुत अच्छी बन चुकी है। सो हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई जस्ट होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइज, अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है वीडियो। मैं बहुत सोचती हूँ कि मेरी वीडियो लंबी ना हो, लेकिन मेरी वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि हो ही नहीं पाता। मैं चाहती हूँ कि वो कम हो, लेकिन वो बढ़ती रहती है। तो अब मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वीडियो और लंबी हो, तो मैं आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो यहीं पे मैं अपनी इस वीडियो को एंड करती हूँ।